सबको ये पता है कि सूरज एक आग का गोला है जो पिछले 5 अरब साल से लगातार जल रहा है। सूर्य हर एक सेकेंड में 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को जलाकर 6,530 लाख टन हीलियम में बदल रहा है। इन आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि इस क्रिया में 40 लाख टन हाइड्रोजन हीलियम में बदली ही नहीं बल्कि ताप ऊर्जा बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। ऐसे सूर्य हर एक सेकेंड अपना लाखों टन ताप ब्रह्मांड में घुमा रहा है, लेकिन ऐसा तब तक ही चलेगा जब तक सूरज के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा अभी 50% बची है, जिससे सूर्य आने वाले 5 अरब सालों तक ऐसे ही जलता रहेगा और हम सबको अपना प्रकाश देगा। लेकिन जब सूर्य के केंद्र का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब सूर्य में हीलियम जैसे गैस ज़्यादा हो जाने से सूर्य का केंद्र का तापमान रद्द से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सूरज फूलकर बड़ा होने लगेगा। अभी सूर्य जितना बड़ा है फूलने के बाद उसका 100 गुना ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिससे सूर्य के पास के सभी ग्रहों को सूर्य अपने अंदर समालेगा। बुध और शुक्र सबसे पहले सूर्य के अंदर समाहित हो जाएंगे, उसके बाद आएगी पृथ्वी की बारी। तब तक पृथ्वी से इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा और करोड़ों साल के बाद सूर्य में अब सिर्फ हीलियम ही बचा होगा, जिससे हीलियम कार्बन में बदलने लगेगा, जिससे सूर्य की ऊपरी सतह सख्त होकर टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। आखिर में सूर्य का आंतरिक भाग ही बचेगा जो कि पृथ्वी के जितना बड़ा होगा, जो धीरे धीरे बुझकर एक ब्लैक होल बन जाएगा। इस तरह हमारे सूर्य का अंत होगा। शुक्र है कि ये सब होने में अभी 5 अरब साल लगेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे सूर्य के पहले नष्ट हो चुके हैं और अभी भी नए तारे बन रहे हैं। ऐसे ही हमारे इस ब्रह्मांड में सृजन की फिर विनाश और फिर से सृजन की ये क्रिया ऐसी ही चलती रहेगी। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लय हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्मा में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमितिक और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यह सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके प्रलय को हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया जा रहा है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझा जाना पड़ेगा। हमारी धरती ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में जानना चाहेंगे तो ये पता चलता है कि भगवान विष्णु जब अवतरित होते हैं तो पहली बार जल प्रलय आया, जो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत के 2वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, जय जय घोर कलयुग आता जाएगा, तय तय उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया आदि आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। जिस समय कल्कि अवतार भगवान अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु 20-30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग
छुद्रों के समान हो जाएंगी। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान आएगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला आएगा। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का तीन हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेगा। कलयुग का अंत होते ही मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो भी श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार ग्रहण करेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान होंगे और जहाँ से अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का चक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पताल तक भस्म कर देगा। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्थ प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।